नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है, इसके बाद एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे 2015 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की भविष्यवाणी और विधानसभा चुनाव परिणाम में किसको कितना अंतर हुआ। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शनिवार को समाप्त हो गया। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार नीतीश कुमार के पिछले 15 सालों से चली आ रही सरकार पर ब्रेक लगने की बात कही जा रही है। एग्जिट पोल की माने तो तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ एग्जिट पोल एनडीए और महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर को दिखा रहे हैं, तो वहीं दो एग्जिट पोल ने महागठबंधन को 150 से 180 सीटें मिलने की भविष्यवाणी कर दी है। हालांकि इस पर से पर्दा 10 नवंबर को हट जाएगा और एक साफ तस्वीर लोगों के सामने आ जाएगी। 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय एग्जिट पोल जनता का मूड भांपने में नाकाम रही थी। उस समय एग्जिट पोल के आंकड़े चुनाव परिणाम वाले दिन दोपहर होते होते पलट गए और बीजेपी कार्यालय की स्थिति यह थी कि वहां लड्डू लोगों में बांटे जाने लगे थे। पार्टी के कार्यालय में आतिशबाजी तक करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी, लेकिन दोपहर होते होते इन सभी चीज़ों पर विराम लग गया। ऐसे में बीजेपी इस बार दुआ कर रही होगी कि 2020 का एग्जिट पोल भी पिछली बार की तरह ही फेल हो जाए। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2015 के विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी, हम पार्टी, लोजपा और आलोसपा एक साथ चुनाव मैदान में थी, और वहीं जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में थे, जिसमें महागठबंधन की जीत हुई थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ छोड़ दिया और एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अब बात करते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर। पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की बात करें तो टुडे चाणक्य ने एनडीए को 155 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। महागठबंधन के खाते में 83 सीटें दिखाई थी। वहीं इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो के एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को 113 से 127 सीटें मिलते दिखाई गई थी, 111 से 123 सीटें मिलने की बात कही थी। इधर सी वोटर ने महागठबंधन को 112 से 132 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, तो वहीं एनडीए को 101 से 121 सीटें मिलने की बात कही थी। नीलसन ने महागठबंधन को 130 सीटें दी थी, जबकि राजा को 108 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। ये तो बात हो गई 2015 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की। अब बात करते हैं 2015 विधानसभा चुनाव परिणाम की। जैसा कि 2015 विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल दिखा रहा था, उसके हिसाब से बीजेपी पूरी तरह से गदगद थी। उसे इस बात का विश्वास था कि बीजेपी इस बार सरकार में आ रही है। बीजेपी ने लड्डू बनवाने शुरू कर दिए थे। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का भी इंतजाम कर लिया था। सुबह 8 बजे जैसे शुरुआती रुझान आए, इसमें बीजेपी आगे चल रही थी। फिर क्या था, पार्टी कार्यालय में नेता से लेकर कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे, आतिशबाजी होनी शुरू हो गई। लेकिन यह जोश उमंग बहुत देर तक नहीं चल सका और दोपहर के बाद टीवी स्क्रीन पर पूरे आंकड़े बदल गए और बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा छा गया। अब महागठबंधन के कार्यकर्ता जोश और उमंग में थे। इस चुनाव में महागठबंधन के खाते में 178 सीटों के साथ जीत हासिल की थी, तो वहीं एनडीए को मात्र 58 सीटें ही मिल सकी और अन्य के खाते में 60 सीटें गई। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के एग्जिट पोल की करें तो इसमें नीतीश कुमार की सत्ता जाती दिख रही है। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात करें तो टाइम्स नाउ की और सी वोटर के अनुसार एनडीए को 116 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं महागठबंधन को 120 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। टुडे चाणक्य के अनुसार एनडीए को महज 155 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा और महागठबंधन को 180 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने महागठबंधन को 139 से 161 सीटें देने की बात कही है, तो वहीं एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलने की बात कही है। इस एग्जिट पोल में एलजेपी को अधिकतम 10 सीटें मिलने की बात कही गई है। इन सभी पूर्वानुमानों पर 10 नवंबर को पूरी तरह से विराम लग जाएगा। उस दिन जनता के द्वारा दिए गए मत से यह पता चल जाएगा कि बिहार में अगले 5 सालों के लिए किसकी सरकार बनती है। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।